हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने हुदैबिया पेपर्स मिल केस खोलने से मुतालिक नैब की दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली, बेंच टूट गया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन कौमी असेंबली अली रजा आबदी ने अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असेंबली को भिजवा दिया, कहा सियासी और जाती वजूहात की बिना पर कौमी असेंबली की रुकनियत छोड़ रहा हूं। फैजाबाद में जारी तहरीक लबैक पाकिस्तान के धरने से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना, आमदोरफ्त आवाम के लिए अजाब बन गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा, चारों वज़रा आला शरीक होंगे, मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों पर इत्तफाक राय की कोशिश की जाएगी। कराची के इलाके मोमिनाबाद में मुबैना तौर पर नशे में धुत पुलिस अहलकारों की फायरिंग से 12 साल लड़का जहां बहुत, इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज, चारों अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मच्छर कॉलोनी में शोहर ने बीवी और साली को कत्ल कर दिया। ईरान इराक सरहद पर जलजले ने कयामत ढा दी, जांबहक अफराद की तादाद 130 तक हो गई, 1000 से ज्यादा जख्मी हैं। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.4 थी। जलजले के झटके सऊदी अरब, कुवैत, लबनान, शाम और आर्मेनिया में भी महसूस किए गए। चमन और जियारत में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम खुशगवार, कराची और सिंध के दीगर मकामात पर आज रात रिमझिम की पेशगोई, कल से बुध तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब में स्मोक का आज भी डेरा, धुंध आज भी हादसात का बाइस बन रही है। बूरेवाला में वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जां बहक, दो अफराद जख्मी। कोयटा से कराची जाने वाली कोच मस्तूम में उलट गई, हादसे में 3 अफराद जां बहक, 20 से ज्यादा जख्मी।